मिनीषा लांबा के फैंस को जो इनका काफ़ी टाइम से इंतजार था, एक नए रूप में, एक नए किरदार के रूप में अब सामने आए तेनाली रामा में विश्वकन्या के रूप में, आज मेरे साथ हैं। आइए बात करेंगे उस सीरियल के बारे में जिसमें मिनीषा लांबा आ रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो इस किरदार के बारे में आप कुछ हमें, हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये किरदार, जैसे नाम है किरदार का विश्वकन्या है, इसका मतलब क्योंकि रघु में विष भरा हुआ है और ये एक असासिन है, ये इनका काम है। इनकी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है बचपन से कि वो बड़े होके विश्वकन्या बनती है और दुश्मनों की हत्या करती है। जो हमने कैरेक्टर्स देखे हैं, जो ये विश्वकन्या का जो कैरेक्टर है जिसको आप निभाने जा रहे हैं इस सीरियल के अंदर, क्या उसको आप मानते हैं कि मिनीषा लांबा के लिए एक वो यादगार कैरेक्टर रहेगा आने वाले समय में? डेफिनेटली मेरे लिए ऑफकोर्स वो एक यादगार कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि अगर यादगार कैरेक्टर नहीं रहेगा तो मैं उसको उसमें काम नहीं करनी होगी। और मैम, काफ़ी समय से आप बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड के प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएँ कि उसमें क्या चल रहा है? जी, अभी मैं टेलीविजन पर मोर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। मेरा सवाल मिनीषा ये था कि अपने चाइल्डहुड में क्या आप इस तरह के एपिसोड्स देखना पसंद करते थे? ज़रूर देखना पसंद करती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा देखे नहीं है। मैं ज़्यादातर मूवी देखती थी, किताबें पढ़ती थी। आप कैसा फील कर रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक फैमिली शो कर रहे हो जो हर फैमिली के सदस्य देखते हैं, या तो अगर आप वो दादा दादी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, चाचा चाची हो, बच्चे हो, तो ऐसा किरदार करना और ऐसे शो के पार्ट होना बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा सीन कोई शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ, या कोई ऐसा जो आपको कोई मेमोरी है सेट्स के दौरान जो आप कभी बैठते हैं तो उसको याद करते हैं? हर रोज़ यादगार है, हर रोज़ यादगार है, क्योंकि आप अलग चीज़ें कर रहे हो, आप नई चीज़ें कर रहे हो, नई सीन्स कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो। मैं हर रोज़ 5 या 6 नए संस्कृत शब्द सीख रही हूँ, तो मेरी भी एजुकेशन हो रही है शो में। सर, आपको विश्वकन्या की कोई ऐसी बात जो अपनी तरफ पर बात करती हो कि हाँ, आज विश्वकन्या का आर्ट ही लेते हैं? विश्वकन्या की ये जो कॉमेडी करती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकती हैं अगर ये चाहें किसी को ऑब्जर्व करके, तो ये मैंने इनसे सीखा है और बहुत ही एकदम परफेक्शन के साथ करती हैं, तो मैंने ये सीखा है इनसे। अंत में अपने हमारे दर्शकों को इस सीरियल के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एपिसोड के? बस यही कि ये विश्वकन्या वाला जो ट्रैक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिनीषा लांबा इज़ प्लेइंग दिस, तो जस्ट वेट एंड वॉच कि वो क्या करती हैं और कैसे करती हैं और फिर मैं क्या तोड़ निकालता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शो ज़रूर देखिएगा, और जो लोग ऑलरेडी शो देख रहे हैं उनको पता है शो कितना फ़न है, और ये ट्रैक उनको ज़रूर बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।